अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आप लोगों को इस गांव के मशहूर शख्स अकबर अहमद डंपी और अल्लामा आशिफ बिन नुमानी का घर दिखाएंगे। तो अभी कुछ देर में मिलते हैं और दिखाएंगे पूरी वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज हम बताने वाले हैं आपको अल्लामा आशिफ नुमानी के बारे में, जो कि ये बिंदवल के अजीम शख्स, जो कि ये बिंदवल का नाम रोशन करके अपने असली मुकाम पर पहुँच चुके हैं। और उनका ये घर 103 या 4 साल तकरीबन पुराना है, और वो जब पढ़ते थे तो इसी जगह बैठ के वो अपनी किताबें लिखते थे। उनकी किताब ही लिखी हुई है सीरतुन्नबी, जो कि कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। और पहले यहाँ एक मतलब थोड़ा सा वो था, मतलब पूरा मकान ये भी था, लेकिन ये गिर गया था तो तूफ़ान के उसके वास्ते, और इसी में बैठ के लिखते थे अल्लामा आशिफ नुमानी। और ये हमारा घर है, और ये अल्लामा आशिफ नुमानी के घर का पीछे का साइड है। ये सब पूरा ये सब जितना ये नया बन चुका है, इसमें कोई रहता था लेकिन अब छोड़ के चले गए हैं। और ये भी उन्हीं का घर है, और जो इस घर में पैदा हुए थे इस घर में। ये अल्लामा आशिफ नुमानी घर सामने नज़र आ रहा है। तो अब हम आ चुके हैं अकबर अहमद डंपी के घर के सामने, और आपको ये भी एक अजीम शख्स जो कि आज नैनीताल में रहते हैं, और ये उनका घर है, बैठक। ये उनका बैठक है, पहले यहीं पे रहते थे लेकिन अब नैनीताल में रहते हैं अकबर अहमद डंपी। और इस घर में रहते थे, इसमें बैठक मतलब लोग बैठते थे और इस घर में रहते थे, और यहाँ पे बावर्ची खाना मतलब अपना काम करते थे। असल में यहाँ पे लोग बहुत लोग रहते थे, तो यहाँ ये बावर्ची खाना है, इसमें लोग बैठ के खाना पकाते थे बावर्ची लोग। और यही बावर्ची खाना, और देखिए सब लगा हुआ है पूरा, इस चीज़ में बनता है सामान वामान, खाना वाना बनता रहता है। और ये अंदर का घर है बैठक अकबर अहमद डंपी साहब का, जो अभी फ़िलहाल नैनीताल में रहते हैं। ये पूरा घर पूरा यहाँ से उधर तक पूरा अकबर अहमद डंपी साहब का है। आपको इस साइड का दिखा रहे हैं डंपी साहब का घर, बहुत बड़ा घर है, कभी इंशाल्लाह खुला रहेगा तो भी वो लगा के दिखाएंगे पूरा घर के उसका डंपी साहब के। सॉरी, मैंने कुछ माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह शुक्रानी नाम ले चुका हूँ तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो हम लोग वापस जा रहे हैं। बिंदल में बहुत से अदीम शख्सियत जो कि थे, और वसीम अहमद साहब का नाम सुने होंगे, इनका इंतकाल हो चुका है। हम लोग आ चुके हैं अपनी छत के ऊपर, और आप लोगों को अभी हमने नीचे से दिखाए थे अल्लामा आशिफ नुमानी का घर का नज़ारा, और अब ऊपर से देख सकते हैं आप लोग, ये उनका घर है। और घर का नक्शा माशाल्लाह बहुत अच्छा बनवाए थे, लेकिन यहाँ पे पूरा मतलब पत्तियों की वजह से दिख नहीं रहा है, नहीं तो ये बहुत ही अच्छा घर बनवाया था अल्लामा आशिफ नुमानी साहब। और बहुत ही दूर दूर से आते हैं इस गांव को और इस अजीम घर को, अल्लामा आशिफ नुमानी के घर को देखने के लिए आते हैं। एक बार आए थे लंदन से, बहुत जगह से आते हैं, लंदन, अमेरिका, सिर्फ देखने के लिए आते हैं। तो ये एक अजीम शख्स का घर है, जो इस वक्त पाकिस्तान में इन्हीं के नामों से सवाल किया जाता है, सवाल जवाब होता है। और ये बिंदवल गांव के रहने वाले, आजमगढ़ के शहर बाशिंदे, शिबली कॉलेज देख सकते हैं आप लोग नाम, शिबली कॉलेज उन्हीं के नामों से रखा गया है, शिबली कॉलेज में उनकी कब्र है। और ये अकबर अहमद डंपी साहब का ऊपर से हम लोग दिखा रहे हैं अपनी छत पे से, और ये छत हमारे पूरे बिंदवल को देख सकती है। ये हमारा ही घर है। वालेकुम गाइस, तो आज आप लोगों ने देखा हमारी वीडियो में, हमने अल्लामा आशिफ नुमानी का घर और अकबर अहमद डंपी साहब का घर दिखाया। और अभी तो मैंने उनका पूरा घर अंदर का नज़ारा नहीं दिखाया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जब मौसम थोड़ा साफ़ हो जाएगा तो उनके घर के भी बारे में अंदर दिखाएंगे, पूरा ऊपर तक छत तक आएंगे। तो माफ़ कीजिएगा नहीं दिखा पाया। और अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो बहुत मेहनत से बनी है, प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।